हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स में संजय भटनागर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सारे के सारे मैं एक बार दोबारा से एडवाइस करना चाहूँगा कि आप मेरी सारी वीडियोज़ को ध्यान से देखें। अगर आप रियली 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो बच्चों, एग्री के डिमांड चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलर्स, पहला है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप जो भी कमाते हैं या तो आप उसको कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या उसको आप सेव करेंगे। दूसरा है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स को आपके सिलेबस में लेकर चलते हैं। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा फॉर्मूला है एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप जो भी पैसा कमाते हैं या तो आप कंजम्पशन पे खर्च करते हैं या आप सेव करते हैं। तो सी और एस का समेशन आपको नेशनल इनकम देगा, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। फोर्थ फॉर्मूला है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन अपॉन इनकम। जो पांचवा फॉर्मूला हुआ है एपीएस, विच इज एस अपॉन वाई, इसको द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि हम एपीसी को 1 माइनस APS करके भी निकाल सकते हैं। सिंपली अगर हमें APS निकालना हो तो हम 1 माइनस APC करके भी निकाल सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला हुआ है MPC, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अगर आपकी कंजम्पशन इनकम बढ़ी और इनकम के बढ़ने से जो भी कंजम्पशन बढ़ी, सो इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन अपॉन इंक्रीज ऑफ इनकम, आपके पास MPC आता है। MPC को निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला वो है 1 माइनस MPS। आपको जो भी MPC की वैल्यू दी है जनरली 0.2345 ऐसे करके होगी, उसको आपको 1 से माइनस करना है, आपको MPC आएगा। अगला है MPS। MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। इसको हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई लिखते हैं, या हम 1 माइनस MPC करके भी MPS निकाल सकते हैं। अगला, मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया था। कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि इनकम से अफेक्टेड नहीं होता। इनकम बढ़े या कम हो, कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। सो दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये फिक्स रहता है। बी हमारा होता है MPC, वाई होता है इनकम। अगर हम बी वाई को कंबाइंड टर्म लेकर चले, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को प्लस करेंगे, हमारे पास पूरा कंजम्पशन आएगा। अगला जो पार्ट है वो है सेविंग। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार। ये जो शुरू शुरू में सी बार होती है, जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, जब इनकम लेवल जीरो है और कंजम्पशन होती है, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। उसकी वजह से हमारी डिससेविंग आ जाती है, तो इसको हम माइनस सी बार करके भी लिखते हैं। प्लस वाई, 1 माइनस बी, बी MPC होता है, तो 1 माइनस बी विल बी MPS। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो MPS है। सो MPS को आप इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपकी जो भी डिससेविंग प्लस करेंगे, आपके पास सेविंग आएगा। ओके बच्चों, मैं अब आपको कुछ एग्रीगेट डिमांड चैप्टर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इतने न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स का। अब सपोज आपको दिया हुआ इनकम 50, 100, 150, 200, आपको सेविंग्स 40, 75, 120। ये आपको नहीं दिया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे। अगर आप 50 में से 10 माइनस करते हैं, भाई इनकम होता है सेविंग प्लस कंजम्पशन, आपने जो भी पैसा कमाया या तो आप कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या सेव करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने 50 रुपये कमाए, 10 रुपये आपने सेव कर लिए, सो दिस माइनस इज, बाकी का पैसा आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। इस तरीके से आप कंजम्पशन के बाकी फिगर्स निकाल सकते हैं। 100 माइनस 40 60, 150 माइनस 75 75, 200 माइनस 120 80। अब आपके पास इनकम, सेविंग और कंजम्पशन आ गए। आपको बोला जाता है कैलकुलेट एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। एपीसी होता है सी अपॉन वाई, इनकम को वाई लिखते हैं, तो 40 अपॉन 50 आपके पास आ जाएगा 0.80। सिमिलरली 60 अपॉन 100, 0.60 एंड सो ऑन, आपके पास एपीसी के सारे फिगर्स आ जाएंगे। भाई अगर आपके पास एपीसी आ गए तो एक APS का तरीका कि आप S अपॉन Y करके निकाल सकते हैं, और एक है अगर आप APC की वैल्यू को 1 में से माइनस करते हैं, आपके पास APS आ रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर 1 माइनस 0.60 करेंगे तो 0.40, 0.50 एंड 0.60। अब हम MPC निकाल रहे हैं। अब हमारे पास कंजम्पशन के सारे फिगर्स ही हैं।
ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास अब इससे पहले का कंजम्पशन का फिगर नहीं, तो हम चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंजिंग कंजम्पशन अपॉन चेंज इनकम। क्योंकि इससे पहले का हमारे पास फिगर नहीं है, तो हम चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन में हम इसको डैश लगाएंगे ना, एमपीसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना एमपीएस। अगला जो फिगर है वो है 60-40, कितने का चेंज हुआ कंजम्पशन में, 20 का। इनकम में कितने का चेंज हुआ, 50 का। सो 20 अपॉन 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.40। इसी तरीके से हम बाकी का निकालेंगे, कितने का चेंज हुआ यहाँ पर कंजम्पशन में, 15। इनकम में चेंज हुआ 50 का, 15 अपॉन 50 15 अपॉन 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.30। इस तरीके से 80-75 चेंज इन कंजम्पशन, 200-150 चेंज इन इनकम। सो 5/50 विल बी 0.10। अब अगर हमारे पास एक बार एमपीसी का फिगर आया था, तो हम एमपीएस का फिगर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एमपीसी का जो भी फिगर है आपको उसको 1 में से माइनस कर देना है। तो इस केस में हमारा जो एमपीएस है वो है पहला यहाँ पर 0.60, ये है 0.70 एंड दिस इज 0.90। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल जो टीचर्स बहुत ज़्यादा देना पसंद करते हैं वो ये वाला है। हमारे को इनकम दिया हुआ है 0, 100, 200, 300 और एमपीसी दिया हुआ है 100 के आगे 0.6, 0.6, 0.6, यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ। और जो हमारे को फिगर दिया हुआ वो दिया हुआ है सेविंग्स का। जब जीरो इनकम है तो हमारी सेविंग -90 है, और हमारे को एपीएस निकालने के लिए बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास इनकम है, हमारे पास सेविंग है, कंजम्पशन होता है, इनकम होती है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इसका मतलब क्या होगा कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसमें से ये फिगर माइनस करते हैं, भाई y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, c इज इक्वल टू y माइनस एस हो गया। तो ये माइनस करेंगे हमारे पास आएगा +90। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको निकालना है APS, आपको APS में सिर्फ सेविंग का एक फिगर दिया, बाकी आपको फिगर्स नहीं दिए हुए। तो आप क्या करेंगे, आप MPC को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको MPC के सारे फिगर्स दिए हुए। जब आप MPC को यूज़ करेंगे, जो MPC होता है ये होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे 100-0, 100। तो जब आप डेल्टा सी निकालते हैं, 100 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 60। इसी तरीके से अगला जो वैल्यू है वो भी हमारा 60 ही रहेगा, और उसका अगला भी 60 रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये चेंज इन कंजम्पशन आ रहा है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन में कितने का चेंज आ रहा है। भाई अब हमारी जो इनकम थी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर थी, हमारी जो कंजम्पशन थी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर वो थी 90। जब आप इस 90 में ये 60 प्लस करेंगे, आपके पास अगला कंजम्पशन आ जाएगा। फिर इस 150 में जो आप ये 60 प्लस करेंगे, आपके पास अगला कंजम्पशन आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब आपके पास कंजम्पशन के सारे फिगर्स आ गए। ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास कंजम्पशन आया। जब आप इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे, आपके पास सेविंग आएगा। तो इस केस में 100-150 आपके पास आ गया -50, 200-210 अभी भी हमारा जो सेविंग है वो माइनस में है, और अब जाके ये प्लस का फिगर हो जाएगा, दैट इज 300-270। अब आपके पास सेविंग के सारे फिगर्स आ गए। अब आप सेविंग को अपॉन इनकम करेंगे, आपके पास APS आ जाएगा। तो ये है -90/0, कुछ नहीं होगा, -50/100 ये रहेगा -0.50, -10/200 ये रहेगा -10/200। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.005 आना चाहिए। एंड अगला है 30/300, इट विल बी 0.10। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारे को दिया गया है, हमारे को दिया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 300, नेशनल इनकम जिसको हम वाई या एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, वो हमारे को दिया हुआ 1000। हमारे को बोला गया कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड AD, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग्स। भाई आपको मालूम है कि AD तो हम सीधे निकाल सकते हैं, C+I। हमारे पास कंजम्पशन दिया 600, इन्वेस्टमेंट दिया 300, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा 900। अगला है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम या नेशनल इनकम भी बोलते हैं,
तो वो फिगर हमारे को दिया हुआ है, तो हम एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1000, क्योंकि हमारे को दिया हुआ, हमारे को यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बच्चों अगला हमें बोला कि सेविंग्स निकालने के लिए, सेविंग्स भाई हमारे पास इनकम है, हमारे पास कंजम्पशन है, तो अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात होती है, तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे हमारे पास सेविंग आ जाएगा, तो इस माइनस 600 विल बी सेविंग विच इज 400। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी वाई कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल ऑफ 500 crores। इनकम दी हुई आपको 500 crores, ये हमने लिख लिया, हमको निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40 crores, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारे पास 40 आ गया एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी इनकम बढ़ी उसको बोल रहे हैं एडिशनल इनकम, उस बढ़ी हुई इनकम का 40% सेव हो गया, मतलब हमारे को यहाँ पे MPS दिया जा रहा है, एडिशनल इनकम ऑफ इज सेव्ड, मतलब 40/100 ऑफ एक्स इज सेव्ड। सो हमारे पास MPS आ जाएगा 0.40, मतलब हमारे पास अगर MPS आ गया तो हम उसमें उसको 1 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा MPC विच इज 0.60। आपको बोला कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार, C बार हमारे पास है 40, B हमारे को दिया हुआ है 0.60 एंड Y आ गया हमारे पास 500। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास कंजम्पशन आ जाएगा विच इज 340। इसका मतलब है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको बोला जाता है, सपोज आपको ये बोला होता है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, इसका मतलब आपको क्या बोला कि जो भी इनकम बढ़ी उसका 40% कंजम्पशन पे चला गया, तो इसका मतलब हमारे को एमपीसी दे रहे हैं, 40% का मतलब 40/100 विल बी 0.40, वो हमारा एमपीसी हो जाएगा अगर यहाँ पे कंज्यूम लिखा होता, लेकिन यहाँ पे अभी सेव लिखा गया तो इसका मतलब है एमपीएस। ओके बच्चों अगले न्यूमेरिकल में हमारे को दिया हुआ है सेविंग इज इक्वल टू -20 + 0.3y एंड y दिया हुआ है 1000। ये हमारे को पूरा सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, हमें निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको y की जगह पे ये वैल्यूज डाल देंगे आपके पास, जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे -20 + 0.3 × 1000 हमारे पास सेविंग आ जाएगा विच इज़ 280। अब आपको अभी हमारा सेविंग है, अब आपको ये बात मालूम है कि हम जो भी कमाते हैं वो या तो कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या सेव करेंगे। इनकम थी हमारी 1000 जो हमने कमाया, सेविंग कर ली हमने 280, सो इनकम माइनस सेविंग विल बी द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन विच इज 720। ओके बच्चों जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज में, हमारे को दिया हुआ है कंजम्पशन इज इक्वल टू 120 + 0.40y। हमारे को सिर्फ ये कंजम्पशन फंक्शन दिए, हमको बोला गया डिराइव सेविंग फंक्शन, दूसरा पॉइंट निकालना है हमारे को सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500, जब इनकम 500 है तो उस पॉइंट पर हमारी सेविंग कितनी होगी, एंड तीसरा है हमारे को निकालना है जो लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग्स बिकम जीरो, किस लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जो सेविंग है वो जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट सेविंग फंक्शन डिराइव करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जो कि माइनस सी बार के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि 120 को अगर हम यहाँ पे -120 लिखेंगे हमारे पास ये डिससेविंग आ जाएगी, प्लस वाई हमारे पास नहीं है तो हम वाई को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन है तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ये एमपीसी होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे को सेविंग फंक्शन में निकालना है तो 1 - MPC विल बी MPS, तो ये जो ब्रैकेट है अगर हम 1 में से MPC की वैल्यू माइनस करते हैं हमारे पास MPS आएगा विच इज़ 0.60। अब हमारे पास ये पूरा हमारे पास आंसर आ गया विच इज़ -120 + y ब्रैकेट 0.60 विच इज़ आर MPS। सेकेंड पॉइंट हमारे को क्या निकालना है, सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500। भाई हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और हमारे को बोला है कि सेविंग निकालो जब इनकम 500 हो, तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप इस 500 की वैल्यू को इस कंजम्पशन फंक्शन में डाल दें, तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास कंजम्पशन आ जाएगा, या फिर हमारे पास अब आ गया सेविंग फंक्शन, हम इस सेविंग फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं सेविंग को निकालने के लिए। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ये जो y है जो इनकम हमारे को दिया हुआ हमारे को 500 इस जगह पे लिखना है, तो हमारे पास जो सेविंग फंक्शन है वो -120 हमने ये ले लिया, 500 इनकम ये रही हमारी और 0.60 MPS। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास सेविंग आ जाएगा 180 एट इनकम लेवल ऑफ 500। जो थर्ड पॉइंट निकालने के लिए बोला गया था लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग्स बिकम जीरो,
भाई एक कौन सा लेवल ऑफ इनकम है जहाँ पे कि हमारी सेविंग जीरो हो जाती है। तो आपके पास ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस सेविंग की जगह पे आप जीरो लिखेंगे, बाकी सारे का सारा ये सेम उतार देंगे। तो जब आप ये उतारेंगे एक्सेप्ट वाई, क्योंकि वाई हमारे को निकालना है, तो आप जब इसको ये माइनस से इधर जाके प्लस हो गया 120 = 0.60 y, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास इनकम आ जाएगी विच इज़ 200। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, हमारे को दिया हुआ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम आई बार भी बढ़ाते हैं, अगर आपको याद हो आई बार, जो हमारे को दिया हुआ 100। MPS हमको दिया हुआ 0.2। अगर हमको MPS दिया हुआ 0.2 तो इसका मतलब है हमारा MPC कितना हो जाएगा, 1 - 0.2 विल बी 0.8। हम जब भी MPS की वैल्यू को 1 से माइनस करते हैं हमारे पास MPC आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये हमारा आ गया MPC। अब हमारे पास इनकम दिया हुआ 4000 और सीवर हमारे पास है 50, जो ऑटोमस कंजम्पशन होता है। हमको बोला गया कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। भाई एग्रीगेट डिमांड को हम लिखते हैं C+I। हम अगर देखें तो हम सी को C bar + BY करके भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, C bar + BY लिख दिया, आई को हमने आई बार लिख दिया, क्योंकि ये जो आई है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो कि आई बार ही बुलाया जाता है। उसके बाद जब हम वैल्यूज डालेंगे, सी बार हमारा हो गया 50, बी हमारे पास हो गया 0.8, वाई हमारे पास दिया हुआ है 4000, वाई हमारा इनकम हो गया 4000, एंड उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया हमारा 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पार्ट है ये आपका आ जाएगा कंजम्पशन, क्योंकि C bar + BY हमारा कंजम्पशन होता है। और जब हम उसमें I bar प्लस करेंगे ये वाला पार्ट, हमारे पास आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल जहाँ पर हमारे को दिया हुआ है सेविंग फंक्शन -120 + 0.4 y, और हमारे को निकालने के लिए बोला गया है हमको कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करना है, पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 500, जब इनकम 500 है तो कंजम्पशन कितना होगा। और तीसरा पॉइंट है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना जहाँ पे कि हमारा वाई और सी बराबर होता है। तो पहला जो पॉइंट है कंजम्पशन फंक्शन, आप सीधा सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो -120 है ये कंजम्पशन फंक्शन में हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, क्योंकि ये नेगेटिव सेविंग इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से होती है। तो -120 हम यहाँ पे 120 लेंगे। अब ये सेविंग फंक्शन है तो इसका मतलब है कि हमारे को यहाँ पर MPS दिया हुआ है, तो अगर हम 1 - MPS करेंगे हमारे पास MPC आ जाएगा विच विल बी 0.60। हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कंजम्पशन फंक्शन का। जो सेकेंड पॉइंट है भाई, अब हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन आ गया विच इज C bar + BY। अब आपको निकालना है कंजम्पशन एट 500 लेवल ऑफ इनकम। तो आप इस वैल्यू को वाई की जगह पे डाल देंगे इस इक्वेशन में, आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास कंजम्पशन आ जाएगा विच इन दिस केस इज 420। जो थर्ड पॉइंट है उसको हमें निकालना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अगर आपको याद हो कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होता है जहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है। भाई जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है इसका मतलब हमारी सेविंग्स हो जाएंगी जीरो। तो हम इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपना ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए। भाई जब सेविंग जीरो तो हमने क्या करा, इस एस की जगह पे हमने जीरो लिख दिया। और जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास -120 ये रहा, MPS ये हुआ 0.40 और इनकम हमें निकालना है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे -120 इधर जाके +120 हो गया, +120 = 0.40 y, और y = 300। ये आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आ गया। ओके बच्चों, हल्का सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। आपको कैसे, आपको वैल्यूज दिखेंगे कैसे दिखेंगे, इफ़ MPC इज 4 times ऑफ MPS, ना आपको MPC दिया गया ना MPS दिया गया, लेकिन आपको एक रिलेशन बताया गया है कि अगर MPC MPS से 4 गुना बड़ा है एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70। भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसका मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 70। डिराइव द सेविंग फंक्शन, हमको सेविंग फंक्शन निकालना है। अब सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि MPC कितना है, MPS कितना है। आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी इन, आप दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे, जब स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा दिखाई देगा एक छोटा। इस केस में MPC इज 4 times ऑफ MPS, मतलब MPC MPS से 4 गुना बड़ा है। मतलब अगर आप MPS को एस एक्स लेके चलते हैं, अगर आप MPS को लेट MPS बी एक्स,
अब एमपीसी एमपीएस से चार गुना बढ़ा, तो एमपीसी हो जाएगा 4x, ये x हो गया, ये 4x हो गया। हमको मालूम है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, 4x जो हमारा एमपीसी निकल गया प्लस x जो हमारा एमपीएस है, जब हम दोनों को प्लस करके करेंगे तो इसको इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब 5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 0.20। अब भाई हमने MPS को एज्यूम करा था x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.20, तो MPC हमारे पास कितना हो जाएगा 4x, मतलब 0.20 इंटू 4 हमारे पास MPC आ जाएगा। अब हमारे पास MPS आ गया, MPC आ गया, हमको बोला गया डिराइव द सेविंग फंक्शन। भाई हमने कन्जम्पशन फंक्शन निकाल लिया जो होता है C bar + BY, तो 70 ऑटोनॉमस कन्जम्पशन, बी हमारे पास आ गया 0.80 ये रहा, और इनकम हमारे को नहीं थी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और अगर हम इसे सेविंग फंक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू -C bar + +y1 - b, तो माइनस सी बार हमारा हो गया 70, माइनस 70 प्लस वाई वन माइनस बी हमारा होता है एमपीसी, तो 0.80 हमारे पास आ जाएगा -70 + 0.20 y, ये हमारा आ गया सेविंग फंक्शन।